रावण, आ रहा हूँ न्याय के दो पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने, आ रहा हूँ अपनी जानकी को ले जाने, आ रहा हूँ अधर्म का विध्वंस करने। आदि पुरुष आधुनिक तकनीक से बना हुआ ये 3D मूवी है और इसे 700 करोड़ में बनाया गया है। आज हम चर्चा करेंगे आदि पुरुष और रामानंद सागर के रामायण के बारे में। इस दोनों में अंतर पता करेंगे। रामानंद सागर के जिस समय रामायण बन रहा था उस समय इतनी डेवलप नहीं थी फिल्म इंडस्ट्री, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा डेवलप है। अच्छे VFX है, अच्छे सारी चीज़ की सुविधा उपलब्ध है, फिर भी आज आदि पुरुष में बहुत सारी गलतियाँ की गई हैं। एक तरफ राम का वनवास और दूसरी तरफ रावण अमर होने के लिए ब्रह्मा को मना रहे हैं और ब्रह्मा से वरदान मांग रहे हैं कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा मान जाते हैं और उसे कहते हैं, मैं अमृत का वरदान तो नहीं दे सकता, लेकिन इतना ज़रूर दे सकता हूं कि तुम्हें ना आसमान में मार सकता है, ना ज़मीन पर मार सकता है, तुम्हें कहीं भी मार नहीं सकता है। मैं इसका वचन दे सकता हूं, तुम्हारी सारी जीवन शक्ति नाभि में सीमित कर देता हूं। दूसरी तरफ सुपर्णरेखा पहुँच जाती है राम की कुटिया में और राम से शादी करने को कहने लगती है, तो राम के भाई छोटे भाई गुस्सा होकर उनका नाक काट देते हैं अपने धनुष से। उसके बाद सुपर्णरेखा पहुंचती है रावण के दरबार में, जहां रावण अपनी वीणा बजाते हुए बैठे रहते हैं। उनको वीणा बजाते बजाते उनकी उंगली कट जाती है और रावण थोड़ा इससे भी हरासमेंट यानी गुस्सा होते हैं। और सुपर्णरेखा उनकी बहन जब ये बात कहती हैं कि मुझे 2 युवक पे दिल आ गया और मैं उससे शादी का प्रस्ताव रखा, वो दोनों युवक मेरा नाक काट लिया है और आप इतने बड़े राजा होकर चुप बैठे हैं, उन्हें जवाब कब देंगे आप? रावण गुस्सा होता है, कौन है वो सुंदर युवक, कहाँ पर रहता है, सारा बात पूछता है। सुपर्णरेखा बताती है वो सुंदर युवक अपने ही जंगल कुटिया में रहता है। उसके बाद सुपर्णरेखा उसे पूरी कहानी बताता है और रावण पूरे होशो हवास के साथ अब राम से बदला लेने को तैयार हो जाता है। सुपर्णरेखा पहुंचती है वहां पर और तोड़ फोड़ मचा देती है। सुपर्णरेखा नाक कटी हुई नाक लेकर बहुत बेइज्जती फील करते रहती है, फिर रावण को अपना सारा बात बताती है कि मुझे किसी भी तरह उस 2 युवक की लाश चाहिए, या उस नारी को अपने पास अपनी भाभी बना के ले आओ, मैं खुश हो जाऊंगी। रावण पूरी षड्यंत्र लगाता है कि किसी भी तरह सीता को हरकर अपनी शिविर में लाया जाए, तो रावण दशानंद गुस्सा होकर आदेश देता है अपनी मामा मरीच को कि आप सुंदर सा हिरण बनकर उसके आसपास में भटकिए और उसे दूर ले जाइए। सीता हट करने लगती है राम से कि मुझे ये हिरण पोसने के लिए मुझे पकड़ दीजिए। इतना सुंदर हिरण देखकर सीता मोहित हो जाती है। राम भी खुशी खुशी मान जाते हैं कि चलो मैं आपको ये हिरण पकड़ कर दे दूंगा। राम हिरण के पीछे दौड़ने लगता है और दौड़ते दौड़ते हिरण जंगल में चला जाता है। जब राम का पहला तीर हिरण को लगता है तो हिरण चिल्लाने लगता है, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, बचाओ लक्ष्मण। ये शब्द सुनते सीता लक्ष्मण को धुतकारने लगती है, कहती है कि तुम्हारा भाई किसी संकट में है, तो मुझे रक्षा कर रहे हो, जल्दी से जाओ अपने भाई को बचाओ। लक्ष्मण राम को बचाने के लिए जंगल की तरफ दौड़ जाता है। उतने में रावण कुटिया की तरफ आता है ब्राह्मण का भेष बनाए हुए। जब कुटिया प्रवेश करने को करता है तो उसका पैर जलने लगता है। उसे पता हो जाता है इस शक्ति से कि कुटिया बंधा हुआ है। रावण एक जगह आसन लगा के बैठ जाता है और कहता है कि हे देवी, आप भिक्षा यहीं लेकर आ जाओ और मुझे दे दो कि मैं बंधा हुआ भिक्षा नहीं लेता, और मैं आसन पर जब बैठ जाता हूँ तो मैं उठता भी नहीं। सीता माता यही सोचती है कि जल्द से इसे भिक्षा दे देना चाहिए, लेकिन मैं आपको 1 सेकंड के लिए रोकता हूँ। जब मरीज आते हैं वहाँ भी कुछ डायलॉग गलत होते हैं और यहाँ भी कुछ डायलॉग गलत है। यहाँ भी सीन रावण सीता माता को पकड़ के पुष्प के विमान में बिठाता है, लेकिन यहाँ अपनी शक्ति से उसे जकड़ लेता है और आगे आगे रावण और पीछे से शक्ति से जकड़ी हुई सीता यूं ही मासूम की तरह लपकती हुई आगे पीछे पीछे चलती रहती है। उतना ही में जटायु देख लेता है सारा प्रकरण। इस सारा प्रक्रिया देखते ही जटायु रावण के विमान पर हमला कर देता है, और जब रावण और जटायु में युद्ध होते रहता है तो राम नीचे से देखते रहते हैं कि दो में युद्ध हो रहा है और सीता किसी अज्ञात शक्ति से बंधी हुई है। जटायु और रावण का युद्ध
बहुत भयंकर चलता है, यहाँ वार्तालाप भी बहुत भयंकर है। तो आपको हम एक और बताना चाहेंगे, इस दोनों में युद्ध भयंकर होता है और रावण के पास में जो शक्तियाँ होती हैं, अटूट शक्ति होती हैं, अपने शस्त्र को किसी भी रूप में बदल कर जटायु पे हमला करता है, उसे परास्त कर देता है और जटायु को मार देता है। ये सारा प्रकरण राम जंगल से देखते रहता है कि रावण से किस तरह एक पक्षी युद्ध कर रहा है। लेकिन रावण बचाने के लिए दौड़ते हैं, तब तक वो रावण लेकर पुष्प विमान से सीता को अपने जंगल की तरफ चला जाता है। राम जटायु की सहायता के लिए दौड़ते हैं, तब तक जटायु मरा हुआ मिलता है। राम उसे अंतिम संस्कार इधर करता है और दूसरी तरफ रावण सीता को लेकर लंका पहुंच जाता है। और लंका में पहुंचते ही रावण का स्वागत मेघनाथ बड़े धूमधाम से करता है। वहीं मधुदरी रावण से नाराज होती हैं कि किसी का पत्नी हरना बहुत गलत होता है। इधर राम और लक्ष्मण चिंतित रहते हैं कि आखिर सीता माता को लेकर कहाँ गया रावण। ये खोजने के लिए अब ये दोनों भाई मुहिम जारी करते हैं। दूसरी तरफ हनुमान जो सुग्रीव होते हैं, वो बानर राज होते हैं, वो पूरे बानरों का राजा हो, बानर राज का एक छोटा सा बानर सीता माता का हाथ का अंगूठी पाता है। ये अंगूठी लेकर जब बानर राज के पास पहुंचते हैं तो बानर राज को लगता है कि इस जंगल में कुछ ना कुछ जरूर हलचल हुआ है। तो हनुमान को आदेश देता है कि हनुमान पता लगाओ कि किस जंगल में ये हलचल कहाँ हुआ और ये अंगूठी किस देवी का है, इसे पता लगाया जाए। हनुमान पता लगाने के लिए जो जंगल से बाहर निकलते हैं, हनुमान जब जंगल के बाहर अपना रूप बदल कर बैठते हैं, दूसरी तरफ सबरी अपनी बैर लेकर राम का इंतजार करते रहते हैं और राम उनके कुटिया के नज़दीक आकर सबरी को अपना दर्शन देते हैं। सबरी राम को देखकर बड़ा प्रसन्न होती हैं, कहती हे राम, मैं आपके इंतज़ार में अपनी आंखें बिछाएं बूढ़ी हो गई और आज आपने दर्शन दिए। राम भी उनसे मिलकर काफ़ी खुश होते हैं और मीठे मीठे बैर राम को सबरी खिलाने लगती। लक्ष्मण को ये बैर अच्छा नहीं लगता, वो सारा बैर फेंक देते हैं। लेकिन सबरी बहुत श्रद्धा भाव से दोनों भाई का बहुत सेवा करती हैं। राम उसे सारे पापों से मुक्त कर देती हैं, वो सबरी तुरंत अपनी नई यौवनावस्था में आ जाती हैं और उन्हें बता देती हैं कि उनकी सीता किस तरफ गई हैं और सबरी का ये पूरा चित्रण देखकर खुश हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ रावण सीता से ये हट करने के लिए अशोक वाटिका पर पहुंचता है कि सीता तुम मुझे कबूल करो कि कब तुम मुझसे शादी करोगी, नहीं शादी करोगी तो इसी तरह अशोक वाटिका पे तुम्हें रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ हनुमान इंतजार करते रहते हैं श्री राम का कि श्री राम कब आएंगे उन्हें दर्शन देंगे। जंगल के बाहर वो बैठकर तुरंत श्री राम को देख लेते हैं और श्री राम का असली रूप देखने के लिए ये ऐसा ढोंग रचा कर बैठे रहते हैं, उन्हें श्री राम से दर्शन पाना रहता है। जब ये श्री राम को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि सच में ये असली राम है और उनसे गला मिल लेते हैं और उनसे गला मिलकर महाराज सुग्रीव के पास ले जाने का प्रस्ताव देते हैं और महाराज सुग्रीव के पास राम को ले जाकर अपने सुग्रीव से सारी बात बताते हैं कि ये श्री राम है और इनकी पत्नी का रावण हर कर ले गया है और हमें इनकी सहायता करनी चाहिए। पूरी बानर सेना राम को सहायता के लिए ये तैयार हो जाते हैं कि आपको मैं सहायता करूँगा। वहीं बाली को राम अपने तीर से मार देते हैं और सुग्रीव को राजा घोषित कर देता है। उसके बाद सुग्रीव वचन देते हैं कि मैं आपके युद्ध में पूरा प्रकरण में आपके साथ रहूँगा। विभीषण और रावण गहन वार्तालाप होता है और गहन वार्तालाप में विभीषण का निर्णय निकलता है कि राजधर्म नहीं है कि किसी को पत्नी को हर कर ले आना और उसे कैदी बना के रखना। रावण इससे गुस्सा होता है और कहता है, विभीषण तुम मेरा छोटा भाई हो, चाहो तो इस देश से तुम जा सकते हो। विभीषण उसकी आज्ञा मानकर उसके देश से बाहर आ जाता है। रावण गुस्सा में उसे धक्के मार के घर से बाहर करता है। भाई के अपमान से आक्रोशित विभीषण सीधे राम से आकर जुट जाता है और दूसरी तरफ सीता माता को खोजने के लिए पूरे बानर सेना एकजुट होकर हनुमान को मनाने लगते हैं। कहते, हनुमान अपनी शक्ति पहचानो और जागो और देखो कि सीता माता कहाँ है, उस शक्ति से अनुभव करो कि किस दिशा में सीता माता को लेकर गया है। हनुमान अपनी शक्ति को आराधना करते हैं। वहाँ पर भालू भी इन्हें चेतावनी देते हैं, बूढ़े बूढ़े बंदर भी इन्हें कहते हैं कि अपनी शक्ति को पहचानो और छलांग लगाओ और लांग जाओ इस समुद्र को। हनुमान जी जय श्री राम का नाम जयकारा लगाते उड़ जाते हैं आसमान में और छलांग लगा देते हैं इस समुद्र को। दूसरी तरफ सीता माता अशोक वाटिका पर बैठ के श्री राम का इंतजार करते रहती हैं। हर पल हर दिन उसका इसी में बीतता है। समुद्र नागने के बाद हनुमान सीधे सीता माता से मिलने पहुंचता है।
सीता माता से मिलने के बाद हनुमान और सीता माता में गहन वार्तालाप होती है। सीता माता कहता है हनुमान की माँ मुझे इतनी शक्ति है कि मैं आपको सीधे श्री राम से मुलाकात करवा सकता हूँ। सीता माता कहती हैं कि हे हनुमान, आपकी शक्ति पे मुझे पूरा भरोसा है कि आप मुझे अवश्य ही श्री राम से मुझे मुलाकात करवा सकते हैं, लेकिन मुझे रघुकुल जरूर लेने आएंगे और मैं उनका इंतज़ार करता हूँ। उन्हें भूख लगता है और वाटिका की तरफ चले जाते हैं। हनुमान और वाटिका में जो वार्तालाप होता है वो बहुत घटिया वार्तालाप है। आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी जब आप ये मूवी देखेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि घटिया वार्तालाप से आपको गुस्सा भी आएगा कि हनुमान को गाली एक राक्षस दे रहा है और राक्षस को गाली हनुमान जी दे रहे हैं। ब्रह्मास में फंसने के बाद हनुमान को रावण के पास पेश किया जाता है। रावण और जब हनुमान में वार्तालाप होता है, वही वार्तालाप आपको देखने के बाद बहुत गुस्सा आएगा, क्योंकि यहाँ पर डायलॉग पूरी घटिया घटिया डायलॉग का उपयोग किया गया है। यहीं पर कहा गया है, तेल तेरे बाप की, घर तेरे बाप की, जलेगी भी तेरी बाप की, ऐसे ऐसे डायलॉग इस मूवी में दिया गया है। शायद आप देखेंगे तो आपको बहुत गुस्सा आएगा। हनुमान लंका जला देते हैं और लंका जलाने के बाद हनुमान सीधे वानर सेना की तरफ कूच कर जाता है। हनुमान वानर सेना में आकर श्री राम से सारी बात बताते हैं कि सीता माता आपका इंतजार कर रही हैं, हमें लंका पे जल्द ही चढ़ाई करना पड़ेगा। राम लंका पे चढ़ाई करने का उपाय खोजने लगते हैं। राम को लगता है कि अपनी शक्ति से समुद्र को सुखा कर मैं अपनी पूरी वानर सेना से श्रीलंका पे हमला कर सकता हूँ, लेकिन समुद्र में माता छुपी रहती हैं। समुद्र माता आती हैं, उनसे कहती हैं कि हे राम, आप ऐसे मत करो, अगर आप हमारे समुद्र पे तीर चलाओगे तो बहुत सारे जीव जंतु मारे जाएंगे, इसका पाप लगेगा आप पर, आप कोई दूसरा तरकीब खोजो। राम फिर से तरकीब खोजने में लग जाते हैं और वहाँ से एक बंदर पत्थर फेंक फेंक कर उसे नया पुल बनाते हैं और लंका में चढ़ाई करता है। ये सुनते ही रावण आग बबूला हो जाता है। रावण तक ये खबर पहुँचते ही रावण आग बबूला हो जाता है गुस्सा से कि शत्रु इतना शक्तिशाली है कि समुद्र में बांध बांध के मेरे लंका पे चढ़ाई कर दिया। फिर रावण एक नया षड्यंत्र रचता है, सीता माता को लाता है और राम और लक्ष्मण दोनों से दर्शन करवाता है, लेकिन वहाँ पर श्री राम उसे नहीं लेते, उसे नहीं छीनते, कहते मैं जीत कर ले जाऊँगा। रावण और वानर पूरी सेना में युद्ध शुरुआत होने के लिए कगार पर आता है और युद्ध शुरुआत हो जाता है। घमासान युद्ध होने के बाद कई बार राम रावणों के सेना में भारी पड़ता है, कई बार रावण राम के सेना में भारी पड़ता है। इसी तरह कई बार युद्ध चलते रहता है और युद्ध में कई हजार सैनिक मारे जाते हैं और सैनिकों का लाशों का ढेर लग जाता है। इस महायुद्ध में घमासान मचता है और इसी बीच लक्ष्मण को शक्तिवान मेघनाथ मारकर चला जाता है। अब बारी है विभीषण को शक्तिवान से निकालने के लिए उपाय खोजने का। विभीषण बताता है कि हे राम, संजीवनी बुट्टी लाने के बाद ही ये जीवित हो पाएंगे। हनुमान इसका बीरा उठाते हैं। हनुमान कहते हैं मैं संजीवनी बुट्टी अवश्य लाऊँगा और मैं अपने प्रभु को अवश्य जिलाऊंगा। संजीवनी बुट्टी लाने के लिए हनुमान कुंज कर जाते हैं संजीवनी बुट्टी की तरफ। उस पहाड़ पे जाता है और हनुमान पूरे पहाड़ को उठाकर श्री राम के इधर लेकर आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि एक बार थोड़ी ना युद्ध में घायल होंगे, बार बार सैनिकों घायल होंगे, हमें बार बार संजीवनी बुट्टी लाना पड़ेगा, इसलिए उसने पहाड़ उठाकर ही श्री राम के इधर ले आते हैं। और ये प्रकरण देखकर रावण का सेना भी घबरा जाते हैं और संजीवनी बुट्टी पीने के बाद लक्ष्मण स्वस्थ हो जाते हैं। वहीं शेष नाग से मसाज कराता हुआ रावण बड़ी फूलता रहता है कि अब इस फांस से वो नहीं बचने वाला, इस बार दुश्मन का अंत निश्चित है, अब दुश्मन हम पे हावी नहीं हो सकता। ये बात सुनकर गर्वान्वित होते रहता है रावण, लेकिन उनसे पता नहीं इसका काट खोज लिया जाता है। और काट खोजने के बाद उन्हें लगता है कि शक्तिशाली है राम। फिर कुंभकर्ण को जगाया जाता है, युद्ध में कुंभकर्ण की एंट्री होती है और कुंभकर्ण भयानक युद्ध करता है, लेकिन राम के हाथों वो मारा जाता है। मेघनाथ शक्ति ग्रहण करने के लिए कठोर तपस्या करना शुरू कर देता है। उस समुद्र में स्नान करने के लिए जाते हैं, लेकिन कहते विभीषण की इसे स्नान से पहले इसे मार देना चाहिए, नहीं मरा तो फिर ये शक्तिशाली हो जाएगा, हम सब पर भारी पड़ेगा। उसी के बीच में राम और लक्ष्मण दोनों हमला कर देते हैं और उस समुद्र में घेर कर उसे मार देता है। रावण गुस्सा हो जाता है। रावण को वहाँ पर VFX का कमाल दिखाया गया है और रावण इतना गुस्सा होता है कि राम को मारने के लिए तैयार हो जाता है। फिर राम और रावण में घमासान युद्ध होता है और
विभीषण नहीं बताता है इसके नाभि में प्राण है और वहां पर जाके हमला कर देता है, लेकिन इस मूवी में विभीषण नहीं बताया है, राम स्वयं जान जाते हैं कि किस तरह उन्हें मारना है। बहुत सारे इसमें दिखाएंगे आपको कि बहुत सारे जहां पर राम रावण वार्तालाप होता है वहां भी घटिया डायलॉग का है, लेकिन उसमें रामानंद सागर रामायण में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है जिसमें दिखाया गया है। सीता को वापस लाने का जो प्रकरण है इसमें भी उस रामायण से बहुत हटकर है, सीता माता को कुछ विमान से लाया जाता है और राम भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, ऐसा बहुत सारा चीज़ दिखाया गया है। वाटिका में जाने के बाद भी घटिया डालों का उपयोग किया गया है, जब राम घर से निकलते हैं वहाँ भी घटिया डालों का उपयोग किया गया है, जब सीता को पकड़ने जाते हैं वहाँ भी घटिया डालों का उपयोग करते हैं और जीतने के बाद राम फिर वापस अपने बन जाते हैं।